हाँ जी, वेलकम करते हैं तुहाडा सारिया दा तुहाडे अपने चैनल स्टडी एंड कैरियर दे उत्ते। सो अज आपां लैके आए हैं जी, पंजाब दे विच सरकारी हस्पतालां दे विच होण जा रही आ भर्ती। वख वख पोस्टां ते भर्ती होवेगी, जिहड़ी मैक्सीमम सैलरी आ उह 25,000 तो लैके 45,000 रुपया रहण वाली आ। डिटेल दे विच तुहानूं इनफॉर्मेशन देवांगे। उस तो पहला रिक्वेस्ट आ, जिहड़े भी कैंडीडेट पहली बार चैनल दे उत्ते विजिट कर रहे हैं वो चैनल नूं सबसक्राइब करके बैल आइकन नूं जरूर दब लवो, ताकि अगे आने वाली वीडियोआं दे नोटिफिकेशन तुहानूं समय सिर मिलते रहन। सो तुहाडा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लैके चलते हैं तुहानूं अज दे ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे उपर। हाँ जी, सब तो पहला आपां गल करांगे पोस्टां दी कि पोस्टां केड़ियां केड़ियां ने ते की एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया रखा गया वा। अपने इंस्टाग्राम ते टैलीग्राम चैनलों के लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जाएंगे, उत्थे हर एक PDF प्रोवाइड करवाई जाती है। सो उन्हें जरूर ज्वाइन एंड फॉलो कर लिया करो। सो नंबर एक ते जी इंटरव्यू बेस्ड भर्ती है, 6/10/2023 नू इंटरव्यू होनी है जी। असिस्टेंट डाइटिशियन एज 30 ईयर होनी चाहिए है, तो रजिस्टर्ड डाइटिशियन विद MSc और MSc और क्लिनिकल न्यूट्रिशंस, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड। सो पोस्ट है ने जी दो, ते सैलरी 30,000 to 35,000 रहन वाली आ। सो नंबर दो दे उत्ते जिहड़ियां पोस्टां ने इन्हां दी इंटरव्यू भी 6 तरीक नूं होनी आ, मैडिकल ऑफिसर डेंटल, ठीक है जी। MDS प्रोस्टोडोंटिक्स फ्रॉम DCI रिकॉग्नाइज्ड डेंटल कॉलेज इन इंडिया विद मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस। पोस्ट हैगी आ एक, सैलरी 50,000 to 55,000 रुपए रहेगी। सो नैक्सट आप गल करते हैं कि 9 तरीक न जी इंटरव्यू होनी आ, फिजियोथेरेपिस्ट बैचलर इन फिजियोथेरेपिस्ट विद 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन आ हॉस्पिटल। एक पोस्ट आ, सैलरी 25,000 to 30,000 रहने वाली है, ठीक है जी। तो नाल दी नाल 9 तरीक न जी इंटरव्यू आ वो हैगी है जी साइंटिफिक ऑफिसर दी, हेमटोपैथोलॉजी, ठीक है। MSc बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल जेनेटिक्स और MTech बायोटेक्नोलॉजी लाइफ साइंस विद मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है जी। एक पोस्ट आ 25,000 to 30,000 सैलरी रहने वाली है। सो 9 तरीक न ही होर एक पोस्ट आ, यही पोस्ट आ, ठीक है जी। 9 एक 40,000 to 45,000 इहदी सैलरी, ठीक है जी। एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो एज लिमिट आ जी 35 साल रखी गई है। सो नैक्सट पोस्ट की आप गल करते हैं जी, 9 तरीक न ही इंटरव्यू हो जा रही है, साइंटिफिक ऑफिसर मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी, ठीक है जी। सो ये क्वालिफिकेशन तुसी चेक कर सकते हो, MSc बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है जी, अप्लाइड बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। सो ये क्वालिफिकेशन है, ये भी एक पोस्ट है, 40,000 to 45,000 सैलरी रहने वाली है। एज आ जी 35 साल रखी गई है। सो नैक्सट आप गल करते हैं जी, 10 तरीक न जी इंटरव्यू होनी है, असिस्टेंट मैनेजर हाउसकीपिंग दी, BSc इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी विद 5 ईयर ऑफ सुपरी वर्जरी एक्सपीरियंस इन आ 3 to 5 star होटल, ठीक है जी। एक पोस्ट आ, 40,000 to 45,000 सैलरी रहेगी। सो एज आ जी 35 साल रहेगी। सो नैक्सट 11 तरीक न इंटरव्यू होनी है जी, पैलीबॉटोमिस्ट फुल टाइम डिप्लोमा इन मैडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, 2 ईयर ड्यूरेशन विद 2 ईयर ऑफ रेलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन मेडिकल लैबोरेटरी और फुल टाइम BSc MLT विद 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। एज लिमिट 30 साल है जी। 4 पोस्टा ने 21,220 रुपए सैलरी रहेगी। सो नैक्सट जी 11 तरीक न ही इंटरव्यू है, मैडिकल सोशल वर्कर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल वर्कर सोशल साइंस सोशोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। 3 पोस्टा ने, सैलरी 25,000 to 30,000 रहेगी। एज आ जी 30 साल रखी गई है। सो 12 तरीक न ही इंटरव्यू हो जा रही है जी, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर की, फुल टाइम ग्रैजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड फुल टाइम पोस्ट ग्रैजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट
हेल्थ केयर मैनेजमेंट फ्रॉम अ रेपूटेड इंस्टीट्यूशन एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन द डिपार्टमेंट ऑफ HRD। सो दो पोस्टा ने ती तो 35,000 सैलरी है, एज लिमिट 35 साल आ। सो नैक्सट आप गल करते हैं जी, 12 तरीक न ही इंटरव्यू होनी है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स। सो ये फुल टाइम ग्रैजुएशन एंड डिप्लोमा ऑफ फुल टाइम पोस्ट ग्रैजुएशन इन पब्लिक रिलेशन और जर्नलिज्म मास मीडिया मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। एक पोस्ट आ 40 to 45,000 सैलरी रहने वाली आ, जी एज लिमिट आ वो तुम देख ही सकते हो 30 साल रखी गई आ। सो PDF काफ़ी लंबी आ, सो PDF मैं टैलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करवा दूँ, तुम उतों भी डाउनलोड कर सकते हो जाके। सो नैक्सट आप देख लें जी, 16 तरीक न इंटरव्यू होनी आ साइंटिफिक असिस्टेंट CSSD BSc साइंस विद 50% मिनिमम मार्क्स, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन CSSD इन द हॉस्पिटल, एज लिमिट 30 साल, एक पोस्ट आ 25 to 30,000 सैलरी रहेगी। सो नैक्सट जी, 16 तरीक न इंटरव्यू हो जा रही है CSSD टैक्नीशियंस 12th साइंस विद 50% मिनिमम मार्क्स, 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन इंटर्नशिप एक्सपीरियंस इन CSSD अ हॉस्पिटल इज प्रेफर्ड, एज लिमिट 27 साल, एक पोस्ट आ जी तो 20,000 सैलरी होगी। नैक्सट जी 17 तरीक न इंटरव्यू हो जा रही है डेंटल हाइजैनिस्ट, सो फुल टाइम डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन डेंटल हेल्थ हाइजैनिस्ट फ्रॉम DCI रिकॉग्नाइज्ड कॉल विद 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, एक पोस्ट आ 23,330 रुपए सैलरी, एज लिमिट 30। बाद आप गल करते हैं जी, 17 तरीक न ही एक होर इंटरव्यू रखी गई है डेंटल टैक्नीशियंस की, फुल टाइम डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन डेंटल मकैनिक्स, ठीक है जी, एज लिमिट 30 साल आ, एक पोस्ट आ 23,330 रुपए सैलरी रहेगी। सो नैक्सट लास्ट के आप गल करते हैं 20 तरीक न जी इंटरव्यू आ, टैक्नीशियंस बायोमेडिकल फुल टाइम डिप्लोमा इन मैडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बायोमेडिकल फ्रॉम अ स्टेट बोर्ड और टेक्नोलॉजी एग्जामीनेशन, ठीक है जी, 3 पोस्टा ने 23,000 तो लैके 25,000 सैलरी है, एज लिमिट 30 साल रखी गई है। सो ये जड़िया डेटा ने तुसी नोट कर लियो, जेडे एलिजिबल कैंडीडेट इंटरव्यू दे के आ सकते हैं। सो यह जो नोटिफिकेशन सेगा अज का, यह नोटिफिकेशन आउट होया सीगा जी होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर न्यू चंडीगढ़ संगरूर चंडीगढ़ एंड HBCH संगरूर पंजाब दे वालों, ठीक है जी। सो वॉक इन इंटरव्यू जी टाइमिंग आ सवेरे 9:30 बजे तो 11 बजे तक होगी, डेटा तुसी देख सकते हो। 6 तरीक तो स्टार्ट ने जी इंटरव्यूआ, 20 तरीक तक यह इंटरव्यूआ चलनिया ने। सो उम्मीद करते हैं अज की यह इन्फॉर्मेशन तुहानू वधिया लगी होगी, ये PDF तुसी अपने टैलीग्राम चैनल तो जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है जी। सो उम्मीद करते हैं मिलते हैं नैक्सट वीडियो दे विच किसी नवी ते ताज़ा अपडेट दे नाल, तद तक लई सत श्री अकाल, वीडियो देखने लई सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद।